गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ये कीचू की हंसी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, और ये है रेसिपी मेघा की, और उसने मुझे बताई थी। बहुत बहुत स्वाद दाल मखनी बनी थी जब हम लोहड़ी पे सेलिब्रेशंस के लिए गए थे। तो मैंने उनसे पूछी है रेसिपी, एंड आई डोंट नो इफ इट विल टर्न आउट एज गुड एज इट डिड व्हेन वी एट विद हर, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं बना ही रही हूँ तो इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और मैं ये चैनल पे डालूंगी। अगर अच्छी बनी तो मैं चैनल पे डालूंगी, आप ज़रूर ट्राई करना। और इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये, मेरे पास कटोरी नहीं है ऐसे इंडिया वाली, तो मैं ये कप का हिसाब रखती हूँ। ये छोटा सा कप है। इसको भर के मैंने एक 1.5 उड़द दाल ली थी जो ब्लैक कलर की आती है, और हाफ कप मैंने राजमा लिए थे, और इनको वो रात भर मैंने भिगोया था। अच्छे से इसको धो लिया था क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है, मतलब वो रंग निकलता है उसका जो भी, तो वो अच्छे से धोया था। और अभी फिर से मैंने एक बार इसको वॉश कर लिया है, और अब मैं इसको कुकर में चढ़ाने वाली हूँ। अगर आपने रात भर इसको नहीं भिगोया है तो भी कोई बात नहीं, इसको आप 2 से 3 घंटे भिगो सकते हो। ऑलमोस्ट ग्रीन कलर हो गया है। तो ये हमने लिए है एक बड़ा प्याज और एक मीडियम साइज का प्याज, इतना भी बड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 छोटे टमाटर, मेरे पास छोटे टमाटर है ये, अगर बड़े होते तो मैं 4 लेती। और ये है 2 मिर्ची और 4 लहसुन की कलियां, ये एक थिक है बाकी सारी पतली पतली है, और ये है अदरक का टुकड़ा। अब इसको हम फाइनली चॉप कर लेते हैं। अब ये लिया है लहसुन, लहसुन को भी इसमें डाल के बेसिकली पेस्ट बनाना है। अब सूखे मसाले देख लेते हैं। तो ये है 2 छोटी इलायची, ये है पेपरकॉर्न्स यानी कि ब्लैक पेपर, ये है क्लोव्स यानी कि लौंग, और ये है बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, और ये है दालचीनी, इसको इंग्लिश में सिनेमन स्टिक्स कहते हैं, और इलायची को कार्डमम कहते हैं, और इसका इनफैक्ट बड़ी इलायची भी चाहिए। एक मिनट, मुझे याद आ गया। तो ये हम 2 बड़ी इलायची भी ले लेते हैं। इलायची का मैं मुंह जो है वो थोड़ा सा खोल दूंगी, एग्जैक्टली मुझे मेघा ने जैसे बताया है कि इसमें से दाना ना निकले बट उसका जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज हो जाए दाल के अंदर। और हम लेंगे दूध, और ये है पानी। मेरे पास स्टील का ग्लास नहीं है तो मैंने कांच का ग्लास यूज़ किया है। तो आप 2 ग्लास स्टील के छोटे वाले जो होते हैं भर के दूध ले, और अंदाजे से पानी भी मैं डालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कितना लगेगा। और सूखे मसाले में आपको चाहिए होगी वही, जैसे लाल मिर्च हो गई, कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, बस बेसिक ये 3 चीज़ें। ठीक है, अब शुरू करते हैं फटाफट। तो पहले मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और डालते इनको 2nd ग्लास, और थोड़ा सा और डालूंगी, 1/2 ग्लास और डालती हूँ। अब पानी ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो दाल के थोड़ा ऊपर तक दिख रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी दूध, मैंने 1 बड़ा ग्लास डाला था, अब मैं 1/2 ग्लास और डाल देती हूँ। अब इसमें डलेगा प्याज, ये मिर्चिया, मेरे सारे सूखे मसाले, नमक, चुटकी भर हींग, करीब करीब 1/2 करछी सरसों का तेल, इसको अच्छे से मिला लेते हैं एक बार।
अब ढक्कन लगा देते हैं। गैस को मैं कर देती हूँ तेज़ अभी, क्योंकि पहली 2-3 सीटियाँ तेज़ गैस पे हमको चाहिए, उसके बाद हम इसको सिम पे करेंगे। 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा इसको हम रखेंगे धीरे पे ही, ताकि वो अच्छे से गल जाए। इनफैक्ट मेरे को हो सकता है थोड़ा कम रखना पड़े, क्योंकि मैंने रात भर भिगोई थी, तो मैं बीच में एक बार चेक करूंगी। तो पहली 2-3 सीटियाँ तेज़ फ्लेम पर, उसके बाद गैस धीरे। स्टेप शूट करना भूल गई, मैंने लिया था देसी घी 1 करछी, उसके अंदर मैंने वो जो लहसुन और अदरक की पेस्ट टाइप बनाई थी, पेस्ट मतलब कि उसको कूट लिया था अच्छे से। अगर आप पेस्ट बना सकते हो तो आप पेस्ट डाल दो, नहीं तो आप ऐसे भी कूट के डाल सकते हो। तो इसको अच्छे से भून लिया है, इसका कच्चापन चला गया है, तो अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर। डाल दिए है टमाटर, टमाटर डाल के बाद मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और फिर इसको अच्छे से पकने देंगे। हल्का सा ही डालूंगी, बिकॉज ऑलरेडी दाल में मैंने नमक डाला था। कश्मीरी मिर्च रंग वाली, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और लास्ट में डलेगी कसूरी मेथी। अच्छे से इसको अब भुनने देंगे। तो अब मैंने 1 घंटे के आसपास हो गया है, मैंने कुकर खोला तो आप देख सकते हैं दाल का हाल कुछ ऐसा है और गल चुकी है अच्छे से। अब इसमें थोड़ा पानी ऑब्वियसली और डालूंगी, क्योंकि मुझे इतनी थिक नहीं चाहिए अभी कंसिस्टेंसी, तो गर्म पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं, उसके बाद ये मसाला इसमें ऐड करते हैं। लास्ट के 2 इंग्रेडिएंट्स, बटर, ये लाइटली सॉल्टेड बटर है, तो ये आप ले लो, बटर में कंजूसी नहीं, तो मैंने भर के स्पून ले लिया है। ये है एक्स्ट्रा थिक डबल क्रीम, अगर आपके घर में मलाई है आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके घर में क्रीम है तो क्रीम से बेटर तो कुछ है ही नहीं, वो फ्रेश क्रीम आती है अमूल की। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी फ्रोजन, ऑलमोस्ट फ्रोजन नहीं मतलब सॉलिड स्टेट में आती है, क्योंकि बहुत थिक है, तो इसको भी आप 1 करछी भर के यूज़ करो। वो डाल दिया मैंने बटर, क्रीम भी डाल चुकी है, बस अब इसको अच्छे से स्टर करेंगे। देख सकते हो आप अभी भी बहुत थिक है दाल, तो इसमें आप पानी एडजस्ट कर सकते हो कंसिस्टेंसी। इस दाल की ट्रिक यही है कि जब वो बनती है वो 50% टेस्टी होती है, बट उसको जितना आप काटते रहते हो वो बहुत ज़्यादा स्वाद हो जाती है। तो मैंने कम से कम इसको 2 से 2.5 घंटे गैस पे रखे रहने दिया था, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की बात कर रही हूँ मैं, तो ज़रूर इसको काढ़े अच्छे से। दाल मखनी की जो रेसिपी इसने ट्राई की थी वो इतनी ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त बनी थी कि हम खाने में इतने मगन हो गए कि हम शूट करना ही भूल गए। इसने मुझे कहा था रिएक्शन ज़रूर शूट करना है, हम भाई लगे हुए खाने में भाई चटोरों की तरह, बट ज़बरदस्त ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब मेघा को उसके बाद शाम को खुद पसंद नहीं आती अपनी कुकिंग जनरली, बट बहुत ही अच्छी थी। मैंने मेघा को शाम को मिले थे, फिर मैंने कहा था मेघा आपने तो मुझे ऐसी रेसिपी बताई है कि अब मजे ही आ गए। yes. तो थैंक यू मेघा, और आप लोग भी जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी। और बहुत बहुत ज्यादा मतलब मैं वो बुखारा जो रेस्टोरेंट है जिसकी दाल मखनी इतनी फेमस है, मैं सच बता रही हूँ ऑलमोस्ट उसके जैसा स्वाद था। और मैं वो बोल नहीं सकती क्योंकि anyway, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज ट्राई इट।